वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, इसी बातों के साथ आज एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और वो कोशिश होगी आपको रेशनल नंबर सिखाने की। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की मैथ, ही आपका चल रहा है आज पार्ट 10वां। आप देख रहे हैं जीरो लेवल बेसिक मैथ का, सुबह 5 बजे से डेली देखते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा जिससे अगली क्लास मिल सके। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, गागर में गागर। जैसे आपने नारियल देखा है, प्याज देखा है ना, एक के अंदर दूसरा, कैसे? अक्सर आप लोगों के परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे टेट सीटेट हो, डीएलएड हो, टेंथ ट्वेल्थ हो, आप लोगों ने क्वेश्चन किया काफ़ी सारा कि इनके बीच में रेफरल नंबर बताइए। तो मैं आपको सबसे पहले एक फार्मूला बताता हूँ, 1/2 और a+b, ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है। जैसे कि दो परिमेय संख्याएँ हमें 2 और 3 दी गई हैं, इसके बीच में परिमेय संख्या आप कैसे निकालेंगे, इसको आपने डीएलएड की क्लास में भी देख लिया रहा होगा लगभग। तो ए का मान 2 रखोगे, बी का मान 3 रखोगे, इस तरह से आपका ये 5/2 हो जाएगा। लेकिन याद रखना, वहाँ आपने लाइव क्लास में जो जितना मैटर पढ़ा होगा, जितना टॉपिक पढ़ा होगा 45 मिनट में, उतना टॉपिक इसमें हम आपको 5 मिनट में पढ़ाएंगे। लेकिन पूरा देखना, 5 से 10 मिनट नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल ये आ गया 5/2। अगला सवाल देखिए, देखिए साथियों, पूरा क्लास देखना लास्ट तक, सब कुछ समझ में आने की हमारी गारंटी होगी, लेकिन क्लास छोड़ के मत जाना, ये आपकी गारंटी होगी। अगर फ्रैक्शन रूप में दिया हो तो कैसे करोगे? साधारण संख्या तो आप जान गए, ए की जगह पर रख दोगे, बी की जगह पर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और भी दे दें यहाँ पर, वो है 9 और 10 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ। तो 9 और 10 के बीच कैसे बताओगे? आप ऐसे लिखोगे 1/2, ए की जगह पर 9 और बी की जगह पर 10। इस तरह से आप कर लोगे तो ये 19/2 हो जाएगा। ये साधारण चीज़ें आप जानते होंगे ना। लेकिन अगर भिन्न के रूप में दिया तो कैसे करोगे? बस देखते रहना, साथ में बने रहना, आएगा। ये हो जाएगा 1/2, ए की जगह पर रख दो 1/5 और बी की जगह पर रख दो 1/7। बात ये है कि अब आपको 1/5 में 1/7 जोड़ना आता हो, लेकिन इसके लिए हमने आपको जीरो लेवल का क्लास देना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। चलो जोड़ लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 7 × 7 5 × 5 और ये 7 + 5 इक्वल हो जाएगा 35, इक्वल आ जाएगा 12/35। कितना आएगा? 12/35। इस तरह से आपका ये हो जाएगा 1/2 और इंटू 12/35। देखो ये कट जाएगा, 2 × 12 इक्वल 6/35। ध्यान से समझना, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक ना। इस तरह से आपका कितना आ गया? 6/35। यानी अब आप कह सकते हो कि 1/5 व 1/7 के बीच में, किसके बीच में? 1/5 व 1/7 के बीच में एक परिमेय संख्या 6/35 है, ठीक ना। लेकिन इतने से ही बस नहीं हो जाता है, आप जी भर के परिमेय संख्या इनके बीच में निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको ए मान लो, अब इसको बी मान लो, फिर से इसमें रख दो, इसके बीच में कुछ आएगा फलाना ढिकाना, उसके बाद क्या करोगे? फिर इसको ए मत मानो, इसको ए मान लेना जो आएगा, उसको भी मान लो, फिर भी निकाल सकते हो। इस तरह से आप अनंत निकाल सकते हो। तो ये तो तरीका था जब आपसे एक परिमेय संख्या पूछा जाए, कोई एक परिमेय संख्या। लेकिन अब हम देखेंगे अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या पूछा जाए, 8 परिमेय संख्या पूछा जाए, तब कैसे करोगे? अब देखिए, एक से अधिक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे सवाल आ जाता है 2 व 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ, कैसे बताओगे? तो साथियों, उसके लिए क्या करना होता है, ज़रा ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखना। हमें पहले 2 लिख लेना है, इसको हम एक एक स्टेप बताएंगे, चूँकि ये लिखा गया है तो आप नहीं समझ पाओगे। ये लो छोड़ दो, इसको जाने दो, मिटा देते हैं। चलो अब देखते हैं, संख्या 2 व 3 दी गई है ना, पहले 2 लिख लो चुपचाप, फिर 3 लिख लो, क्लियर। अब क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि इसमें आप गुणा कर दो डायरेक्ट वैसे भी, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है, इसे आप भिन्न के रूप में बना लो, इसके नीचे 1 छिपा लो, ठीक। ये बहुत आसान तरीका है। अब ज़रा गौर से देखो कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 निकालना है ना। और हाँ, सबसे पहले ये देखना है हर बराबर है कि नहीं बराबर है, अगर नहीं बराबर है तो बराबर करेंगे। अभी तो ये बराबर है फिलहाल, हर बराबर है ना, नीचे का भाग, अभी वो भी दिखाऊंगा जब बराबर नहीं होता तो कैसे करते हैं। बराबर है, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 5 से 1 अधिक करके इसमें गुणा करेंगे, 6 से जितना निकालना रहेगा उससे 1 अधिक करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे,
तो ये 12/6 मिलेगा, और इसमें भी आप करोगे तो ये 18/6 मिलेगा। इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आपको क्या करना है, 12/6 और 18/6 के बीच में एक पर्याप्त मैदान छोड़ देना है। कितनी संख्या निकालना था, 5। चलो लिख लो फटाफट, पाँचों ले लो हिसाब। पहली 13/6, दूसरा 14/6, तीसरी 15/6, भाई थोड़ा शुद्ध भाषा में बोलिए, 15/6, 16/6, 17/6। वैसे हिंदी अशुद्ध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोग जो अदर स्टेट के हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। तो इस तरह से आपकी ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई इन दोनों के बीच में। अब जरा शर्माना मत, ये 12/6 किसका मान है भाई, 2 ही लेकर के तो 12/6 लाए थे, इसका मतलब ये 2 है और ये क्या था, 3 था। 2 और 3 के बीच में ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। समझ में आई ना, गारंटी होगी समझ में आने की, एक एक बात हजम होगी, आपको लाइफ में कभी ना भूलोगे। लेकिन क्लास पूरा देखना, जीरो लेवल मैथ का अगर आप पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेते हो ना, तो दुनिया का को कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो आप क्रैक ना कर पाओ, पास ना कर पाओ। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको तन मन धन से मेहनत करना होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। एक अगला सवाल देखना, अगला सवाल क्या कह रहा है, करा कि 1/4 व 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। अभी तक 5 था भाई, एक लफड़ा उड़ा गया 6 का। तो पहले भिन्न को लिख लो चुपचाप बिना कुछ किए, और दूसरा भिन्न को भी लिख लो चुपचाप वैसे ही सुंदर सुंदर, ये 3/4। अब जरा ध्यान से देखना, अभी हर बराबर आ रहा है, पहले बराबर वाला बता दें तब आगे बढ़ें। 5 परिमेय संख्या की बात किया था तो 6 से गुणा किया था, और 6 की बात कर रहा है वहाँ पर तो 7 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, याद रखना। तो ये हो जाएगा 7/28, और इसमें भी आप 7 से करोगे तो ये 21/28। इस तरह से आपका क्या आएगा मालूम है, लिख लो यहाँ पर 7/28 और ये 21/28, ठीक ना। कितनी संख्या बोला था, 6 बोला था ना, 6 लिख लो चुपचाप। चलो 8/28, अरे ज़रा वैसे भी सोचिए कि 7 के बाद क्या आता है, 8 ही तो आता है ना। 8/28, 9/28, 10/28, 11/28, ऐसे ऐसे लिखते जाओगे तो 20/28 आएगा। और लिख लो 6 परिमेय संख्या, देखो मैंने 5 तो लिख दिया है, एक और लिख लो, मैंने जो नहीं लिखा उसको भी लिख लो, ये 12/28। कुछ लोगों के मन में होगा कि इधर से 8 से शुरू किया था, 12 तक लिख दिया, उधर 20 वाला लिख दिया, बीच में 13, 14, 15, 16, 18 का है छोड़ दिया। मत छोड़ो, सब लिख दो ना, लेकिन हमें केवल 6 पूछा था तो 6 ही तो लिखेंगे, बात समझ में आई ना। इसके बीच की कोई भी 6 लिख दो, मतलब 7 व 21 के बीच की कोई भी 6 संख्याएँ लिख दो बस, समझ में आई ना बात। चाहे तो आप 13/28 भी लिख दो, लेकिन नीचे का जो हर है 28 उसको ज़रूर लिखना, चूँकि उसको हमने यहाँ पे बनाया सजाया है। ये था तरीका, जब हर एक समान हो तब। अब देखिए कुछ और डिफरेंस, पूरा क्लास देखना, छोड़ के मत जाना, छोड़ के ना जाना तुम वादे हजार करके। तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका हुलिया बदल चुका है सवाल का। देखो इनके जो डेनोमिनेटर हैं वो अलग अलग हैं, तो पहले इनके पास चलते हैं छोटू भाई के पास, उसके बाद चलेंगे मोटू भाई के पास। इनको ऐसे लिख लो चुपचाप। अब क्या करना है, वैसे तो हम करते थे क्या कि जितना परिमेय संख्या निकालना होता था उससे एक अधिक करके गुणा कर देते थे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ लफड़ा हर वाला का है, हर जो है ये बराबर नहीं है, तो पहले बराबर कर लेंगे। देखो भाई कहते हैं ना, जो तुम्हारे पास है तुम हमें दे दो, हमारे पास जो है तुम ले लो, बराबर हो जाओ। चलो बराबर का हिसाब हो जाए, तो इनका हर क्या है, 2 है, इनका हर 3 है, तो इनका 3 हर लेकर के आप इसमें नीचे ऊपर गुणा कर दो, ये लो कर दिया, तो ये हो गया 9/6, और इनका 2 लेकर के इसमें गुणा कर दो ऊपर नीचे। देखिए इन दोनों में समानता करवा दे रहे हैं मेल व्यवहार, बस हो गया काम। कितना निकालना था, 8 निकालना था ना, वैसे 8 नहीं आएगा, 2 से लेकर के 9 के बीच में देखोगे तो वैसे भी 8 आ गया होगा, वैसे देखिए आ गया कि नहीं, तो आपको गुणा भी नहीं करना है। अगर ऐसा बन जाता है माहौल तो नहीं गुणा करना है, नहीं तो आपको गुणा करना होगा। तो ध्यान देना, आप 2/6
और ये कितना आया 9/6। देखिए इसके बीच 8 परिमेय संख्या होती है कि नहीं। देखो एक तो 3/6 हो जाएगा, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, कितना हुआ, 3 × 3 = 6 हुआ ना। अब ज़रा ध्यान से सोचना, भागना मत, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपसे पूछा होता कि 3/2 व 1/3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो आप केवल हर बराबर करते जो हमने किया था, बाकी आपको कुछ नहीं करना था, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया ना। लेकिन यहाँ लफड़ा ये फंस जा रहा है कि हमें 8 परिमेय संख्या निकालना है, अब इसके बीच में तो 8 संख्या आ ही नहीं रही है, अब क्या करेंगे। तो घबराना मत, पूरा स्टेप फॉलो करना, ये रूल मत लगाना। मतलब कहने का, देखिए वैसे तो आपको पूरा तरीका करना है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिया कि अगर कहीं ऐसा स्थिति बनती है, मानते हैं 3 परिमेय संख्या पूछा होता इसके बीच में, 4 पूछा होता, 2 पूछा होता, 6 पूछा होता, तो आप डायरेक्ट इसके हर बराबर करने के बाद उत्तर लिख सकते थे। लेकिन अगर 8 पूछा नहीं आ रहा ना, तो मत टेंशन लो, 9 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 9 से गुणा। देखो पहले हमने ये हर बराबर करने के लिए किया प्रक्रिया, वो तो अलग था, अब आ रहा है कॉन्सेप्ट शुरू। 8 निकालना है तो 9 से गुणा करो, इसको भी करो, तो ये हो गया 18/6 × 54, और ये हो जाएगा 81/54, यानी 81/54 और 18/54। ये लो, चाहे जितना निकालो, जी भर के निकालो। अब बात समझ में आई ना। चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं, नंबर हमारे जो हैं उनको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जो लोग बेसिक मैथ व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं VIP सुविधा में, वो लोग इस नंबर को नोट कर लें, हम लोग आगे बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान देना, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये लो मिटा देता हूँ, ठीक ना। नंबर तो आप लोग देख लिए होंगे, आप कंप्लीट मैथ व्हाट्सएप पे पा सकते हैं, खोजना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा। यूट्यूब पे देखते रहिए, इसके लिए कुछ नहीं करना। तो जो नंबर पहले छोटा है उसको पहले लिख लो 18/54, और दूसरा जो है 81/54 इसको बाद में लिखेंगे। इसके बीच में हमें कितना रैशनल नंबर फाइंड करना था, 8 ना। अब 8 नहीं, आप 18 कर सकते हो, चलो ठीक है। ये 19/54, 20/54, 21/54, 22/54, ऐसे ऐसे करते चले जाओ ना, 80/54 तक। देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई 22 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26, 27, 28, 30, 40, 50, 60, 70 तक करते चले जाओ ना। 8 ही तो निकालना था, आ जाएगा ना। 8 की जगह पर आप 18 निकाल सकते हो, अब 38 भी निकाल सकते हो। तो ये था तरीका मज़ेदार वाला, जल्दी से छाप लीजिए जिनको जिनको छापना है। करना क्या है, पहले संख्या को लिख लो, अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए दूसरी भिन्न के हर से दूसरी भिन्न में नीचे ऊपर गुणा करो, फिर इस भिन्न के हर से इस भिन्न में नीचे ऊपर गुणा करिए। ये देखो हर बराबर होके चंगू मंगू आ गए, नीचे दोनों में 6 आ गया था ना। उसके बाद जितनी परिमेय संख्या निकालना है उससे 1 अधिक करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। देखो मैंने कर दिया, चूँकि 8 निकालना था तो हमने 9 से गुणा किया ऊपर नीचे। बस जो संख्याएँ आ जाएँ उनको पकड़ लो जी जान से, छोड़ना मत। और जो छोटी है उसको पहले लिखिए, जो बड़ी है उसको बाद में लिखिए, ठीक। छोटी बड़ी का मतलब जान रहे हो, बहुत जानते हो आप लोग, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं। पूरा क्लास देखना, छोड़ के मत जाना, समझ में आने की सारी गारंटी होगी, पूरा 100% गारंटी होगी। -2/3 व 5/4, ज़्यादा दूर काहे लिखें, इनके बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले तो इनके हर को बराबर कर लीजिए, हर बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो दूसरे भिन्न का हर है उससे इसमें ऊपर नीचे गुणा करना है। हर मीन्स होता है डेनोमिनेटर, ये नीचे का नंबर, तो 4 से इसमें मल्टीपल कर दो ऊपर नीचे, आप पाओगे -8/12। जो दूसरा फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर है उससे इसमें नीचे ऊपर मल्टीपल करो तो ये मिलेगा 3/3। इस तरह से आपको मिलेगा ये 15/12। बात समझ में आई, बस हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। -8/12 दूसरा नंबर है, 15/12 कितना रेशनल नंबर निकालना था, 4 निकालना था, लिख लो। एक बात ध्यान देना, -8 के बाद क्या आएगा पता है आपको,
माइनस सेवन आएगा, क्योंकि ये देखो प्लस वाला नंबर है। कुछ लोगों के दिमाग में ना बुझा रहा होगा तो मैं उनको अभी बुझाऊंगा। ये हो जाएगा 7/12, ये हो जाएगा 6/12, फिर ऐसे ऐसे जाओगे तो एक स्थिति आएगी जब हो जाएगा 0/12, और फिर हो जाएगा 1/12, फिर 2/12, 3/12, तब जा करके क्या होगा, 15/12 होगा। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि 8 के बाद ही का 9, 10, 11, 12 काहे नहीं करे ना, आ रहा होगा ना। लेकिन ध्यान देना, गंगा उस पार चले गए हो, अगर प्रयागराज में रहते हो तो ये समझ लो कि तेलियरगंज पार चले गए हो, फाफा में उस साइड नहीं हो। तो पहले तो उस पार से इस पार आओगे तब फिर चलोगे ना इस साइड में, मतलब समझना। देखो ये होता है नंबर लाइन साथियों, ये होता है नंबर लाइन, इस पर होता है जीरो, जिसे मीडियन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। दाहिने साइड प्लस होता है 1, 2, 3, 4, इधर साइड माइनस होता है -1, -2, -3 होता है ना। तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर हम 3 से चल रहे हैं और हमें 15 तक जाना है तो किधर को जाओगे, बोलो किधर को जाओगे। -3 से शुरू कर रहे हैं और 15 तक जाना है, मान लो चलो 4 तक ही जाना है, ये 4 इधर है, तो बताइए -3 के बाद -2 फिर -1 बोलेंगे तभी तो जीरो पे आएंगे ना। अगर आप क्या करोगे, -4 करोगे फिर -5 करोगे, तब तो आप इधर साइड भाग जाओगे, उल्टा भाग जाओगे, फिर प्लस में कभी नहीं जाओगे लाइफ में। बात समझ में आई ना, चूँकि हमारा इक्वा नंबर प्लस में आया था ना, 15/12 वाला, ये प्लस में था ना, तो हमें तो यहाँ से चल के इसके पास पहुँचना है ना। ये थोड़ी कि जो मर्जी वही लिख दोगे ना, इसके बीच में जो है उसी को हम लिखेंगे। बात समझ में आई ना, इसलिए हमने क्या किया, -7/6 और ये 6/12। कुल मिलाकर के नंबर बढ़ना चाहिए, बस घटना नहीं चाहिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार लिख तो रहे हैं ये 7 लिख रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ना चाहिए, जब 8 -8 के बाद 7 लिख रहे हैं तो कहाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा बाबू, समझने की कोशिश करो, -8 छोटा है -7 से। बात समझ में आई, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। जो जितना कर्जा होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो इसलिए हम क्या करें, नंबर को बढ़ा रहे। और हाँ, ये जो है इससे तो छोटा है ही, -6 से छोटा, ये भी 7 भी है, और अगर सबसे छोटा की बात करें तो -1 से ये सभी छोटे हैं, -1 बड़ा है। जितना ज़्यादा माइनस में गिनती बड़ी होगी, उस गिनती का मान उतना छोटा होगा। बात समझ गए ना, अंदर से उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो निगेटिव है। चलिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ये गाथा समझ में आ गई हो तो, जल्दी करिए। देखिए साथियों, आप लोगों को टाइम के लिए बड़ा बवाल होता है, तो सुबह 5 बजे आपकी क्लास PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर होती है, आप इसे बाद में भी देख सकते हो, कोशिश करो तो। उसके अलावा शाम को 7:30 बजे से PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर यही सेम क्लास होती है, और इसी सेम क्लास को आप दोपहर में 11 बजे देख सकते हैं PBR स्टडी के फेसबुक पेज पर, ऑफिशियल पेज पर। उसके लिए आपको फेसबुक पर सर्च करना होगा PBR स्टडी। इंक्वायरी के लिए आप हम इस पे नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप क्लास को इकट्ठा संग्रह देख सकते हैं, उसके लिए आपको विजिट करना होगा PBRstudy.com। ये सारे माध्यम हमने आपको बता दिए, आपको जो पसंद हो, जो अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। जो लोग कंप्लीट मैथ व्हाट्सएप पे पाना चाहते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर भी पा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करना तो आपको क्लास के लिए ₹549 पेमेंट करना होगा, फिर आपको सारी क्लास व्हाट्सएप पर मिलेगी। अगर नहीं पेमेंट करना चाहते हो मत करो, ₹1 ना करो, हम जान रहे हैं आप लोगों की स्थिति जो है। तो आप लोग यूट्यूब पे ऐसे देखते रहो, बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर कंप्लीट क्लास व्हाट्सएप पे चाहते हो एक तरफ से, यूट्यूब पे खोजना ढूंढना ना पड़े, तो आप कर सकते हैं। घर बैठे आपको इकट्ठा भेज दिया जाएगा, आप देखिए कोई बिना टेंशन के, आपको यूट्यूब पर कुछ भी खोजना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को इन बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास फिर से टाइम के शेड्यूल के अनुसार, और 3 तारीख से क्लास आपकी रेगुलर हो जाएगी, चूँकि हम दिल्ली से आ जाएंगे, है ना। धन्यवाद।